मैंने अपना कैमरा भेज दिया। तो अब क्या करोगी 37,000 रुपये का? कुछ नहीं, खा पी लूंगी। तो भाई कैमरा मेरा, बहुत दिमाग तू खराब। जान है अरमान है मेरे प्यारे, तू जान है अरमान है मेरे प्यारे। ये तुम जो जसिका की तुम स्टोरी लगा रहे हो, किससे पूछ के स्टोरी? तुमने स्टोरी कैसे लगाई? मैंने कैमरा भेज रहा था, मैंने भेज दिया। मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। अब तो लेजेंड हो गई हो क्या? नहीं रहने दो, 37,000 रुपए कैमरा बेचाई, ठीक है? मैं 1 करोड़ का फ्लैट गवा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सना खान। सो गाइस, आज मैं आई हूं एक न्यू वीडियो से। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना अपना कैमरा भेज दिया और ये बात अभी तक मैंने सोमेश को नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्सा है। और मैंने कैमरा क्यों भेजा मैं वो बताऊंगी, ठीक है? लेकिन उसके आ जाने के बाद वो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं उसको बताऊं तो बताऊं क्योंकि बहुत गुस्से में। तो वो कभी नहीं चाहता था मैं अपना कैमरा बेचूं। मुझे बहुत टाइम से बोल रहा था कि तुम बेच दोगी तो तुम देख लेना, और मैं उसे पीछे पड़ी थी, मुझे बेचना 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 बेचना, और मैंने फाइनली बेच दिया बिना पूछे। तो बाकी मैंने उसको बुलाया हुआ, फिर मिलते हैं गाइस। बाय गाइस, लव यू, हाय। इतना मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मेरा मूड ऑफ नहीं है, तो मूड लग रहा है। फोन पे ही बात करने से ही पता चल रहा था। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो ना। मैं तो बोल ही दूंगी, तुम बताओ पहले। तुम बोलो, तुम कुछ बताने वाली हो ना। बताने वाली हो, सुन पाओगे तुम? क्यों, ऐसा क्या हुआ? मरने वाली हूँ मैं। मर नहीं सकती क्या? मर नहीं सकती? मर जाओ, मर जाएंगे। बताओ ना, तुम कह रही हो तुम गलत कर रहे हो, मैं क्या गलत कर दिया भाई मैंने? गलत क्या, सही क्या? गलत क्या, सही क्या, मुझे ना पता, हमें ना पता है। एक्चुअली क्या है सोमेश, मैंने अपना कैमरा भेज दिया। मजाक कर रही। सच्ची में भेज दिया यार सोमेश, सच्ची में भेज दिया यार मैंने। तो क्यों बेच दिया? ऐसे ही। कितने का बेचा? 40,000 का। खाना मम्मी कसम? कसम खाई कह रही मम्मी, कसम खाओ, तुम झूठ बोल रही हो। मम्मी कसम, मैंने अपना कैमरा बेच दिया। नहीं, कैमरा बेच दिया, कितने का बेचा सही से ही बता। 40 का तो तू नहीं बेच पाएगी, इतना तो मैं सब जानता हूँ। कितने का बेचा? 37,000 का। 37,000 रुपया कितने का आ रहा पता है? बताओ कितने का आ रहा, तुम ही बताओ। चलो नया कितने का आ रहा अभी फिलहाल में? वही 69। 69 का आ रहा है। कितने होते हैं 69? 70,000 में 1,000 कम। हाँ, 70,000 रुपये। और तुमने बेचा कितने का? 37,000 का। क्या जरूरत थी तुम्हें 37 का बेचने की? सारे दोनों लेंस के साथ पूरा सब कुछ सब कुछ भेज दिया है। तो तुमने ये अपने गले की ये क्यों नहीं बेची? चैन वगैरह कान के ये सब बेच देती। ये क्यों बेचू? सब बेच दो ना। क्यों बेचू? क्या करोगी बेच के? बस बेच दिया यार। तो क्यों बेचा कैमरा ये बताओ? पहले भी मना किया था 10 बार तुम सीपी में, मुझे बेचना बेचना कैमरा बेचना, पहले भी बोलती आ रही बेचना है। मैं तुम जिद पड़ गई उस चीज के बीच, तुम्हें बेचना है, तुमने बेच दिया भाई। हाँ, मैंने बेच दिया। पैसे कहाँ हैं? पैसे ऑनलाइन दिया उसने। दिखाओ, देख लो अब अकाउंट में मेरे। एक मैसेज दिखा दो बस मुझे। ये तो कुल उसने 70,000 रुपए आए। 17 और 20,000 ये रहा, दो बार दिया ना 20,000। उसकी लिमिट खत्म हो गई थी ना, तो उसने फोटो आयरा फोटो चांदनी चौक में बेचा है। डिस्प्ले भी टूट गई है, कैमरे डिस्प्ले टूट गई? नहीं नहीं, डिस्प्ले नहीं टूटी, वो तो रबर लगा रखी है ना, टेम्पर टूटा है। हाँ, वो कैमरा बेचा था ना। 37,000 रुपये। तो अब क्या करोगी 37,000 रुपये का? कुछ नहीं, खा पी लूँगी। तो कैमरा मेरा, मुझे नहीं करना कोई शूट वूट, मेरा मन भर गया है। तुम खाने पीने के लिए तुमने अपना कैमरा बेच दिया मैंने? कितनी बड़ी खदोड़ी आओ तुम। खदोड़िया वाली बात नहीं है, मैंने कैमरा इसलिए बेचा है, जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या? मुझे नहीं करना अब तुम्हारे साथ कोई सूट वूट। बस बात को बदलने की कोशिश नहीं कर रही सोमेश, मैं तुमको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है,
तुम ये क्या कर रहे हो मुझे बताओ, क्या कर रहा हूँ? ये तुम जो जसिका की तुम स्टोरी लगा रहे हो, किसे पूछ के स्टोरी? बात को तुम भी मत बदलो स्टोरी पे लेके जा रही हो। हाँ तो तुम और क्या, तो तुम चिल्लाओ नहीं, चिल्लाने वाली क्या बात है? इसलिए तुम क्यों लगा रहे हो तुम उसकी स्टोरी? देखो दोस्त हाँ। तो तुम भी उसे मिल नहीं मूली मिली हो तो तुम क्यों लगा रहे हो? मुझसे पूछा, बोला मैंने रील डाली है हाँ। तो जब कोई लोग हमें सपोर्ट कर रहा है कुछ भी चीज में हाँ। कई बार वो तुम्हारे ऊपर उसने प्रैंक करवा दिया तो इसलिए मैंने थोड़ा नहीं, उसने बोला थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे जरूरत है, मेरी फॉलोवर्स नहीं है। जरूरत तुम्हें उसको नहीं है, तुमको लग रहा है उसकी जरूरत है। ठीक है, ज्यादा बनो मत। मैंने भेज दिया अभी मेरा कैमरा, मैंने भेज दिया, मेरे को नहीं करना कोई सूट वूट। बस तुमने लगाया कैसे तुमने लगाया कैसे स्टोरीज की? अच्छे लगाया, अच्छा लगा तो मैंने अच्छे से भेज दिया हाँ। तो बेवकूफ, इतना महंगा कैमरा बेचने की जरूरत क्या थी? तुम्हें काम नहीं करना था, तुम मना कर देती, तुम कैमरा बेचाई 40 में बेचा, झूठ बोल रही। तुम 37,000 70,000 3,000 पे कैश दिए उसने। क्यों देगा 3,000 कैश? दे दिए। क्यों देगा कैश ये बताओ? खाना मम्मी कसम, ठीक है ना, बेच दिया तो बेच दिया, कसम खाओ। ठीक है 37 में बेचा, मैंने झूठ नहीं बोल रही, मम्मी कसम 37 में बेचा। क्यों बेचा 37 में? 37,000 रुपए का तो लेंस ही लेंस आ रहा है। मैं तो 30 में भी बेच देती, अगर 30 में भी बोलता तो वो तो पता नहीं किस्मत मेरी बेच दी मैंने पता नहीं जहाँ जाती किस्मत साथ दे जाती बस मेरी। मैं तो 30 को सोच के गई थी, 30 क्या 25 में बेचता, ले दे बेच देती मैं अपना कैमरा, न्यू कैमरा था पता। तो तुम गोबर खाती हो? तुम खाते हो? नहीं, गोबर खाने के लिए तुमने कैमरा बेचा है? खा लो, तुम तुम्हें दे दूंगी 1,000 रुपये गोबर खाने के। मेरे साथ जो करोगे रिटर्न में तुमको मिलेगा। तुमने स्टोरी कैसे लगाई मैडम की? हाँ तो ये मुझे भी करना आता है हाँ। बात को घुमा के बात हो, तुम भी घुमाओ मत। तुमने स्टोरी कैसे लगाई? मैंने कैमरा भेज रहा था, मैंने भेज दिया। स्टोरी लगाने का मेरा वो वे नहीं था उसका। क्या वे था? क्या वेदा भाई, इसमें बे भी देखा जाता है। फॉलोअर्स कम थे, उसने बोला थोड़ा सपोर्ट कर दो। कभी मेरे लिए बोला मेरे इंस्टा को सपोर्ट कर दो? मैं कभी बोलती हूँ मेरे इंस्टा को सपोर्ट करवाओ? अरे 90,000 फॉलोअर ऐसी थोड़ी हो गए बेटा, मैंने कोई कपल वो रील वील डाल खुद के ही मेरे ऐसे आए हैं सबको पता किससे आए तो मैं सबको पता तो सब जानते कि मैं क्या डालती हूँ। ठीक है, मैं डालती ही नहीं हूँ, कोई पोस्ट ही नहीं करती हूँ। लगाओ और स्टोरी लगाओ, और अभी तो आज तो कैमरा भी बेचा है, अभी माइक पड़ा, माइक भी बेच दूंगी, मैंने डिसाइड किया है। बेचना है मेरे को अब सब बेच देना है। मैं अपना चेन बेच दूंगी, कान का बेच दूंगी, जो भी मेरे पास सामान पड़े सब बेच दूंगी, ओटिंग वोटिंग सब बेच दूंगी, सब पैसा खा जाऊंगी मैं। घर बेच दो ना, अपने पापा के कई सारे घर हैं। बोल रहे हूँ मुझे घर देने वाले। हाँ तो ये घर बेच दो ना, कसम खाई कह रही हूँ तुम्हारी कसम, वो मुझे एक फ्लैट देने वाले। हाँ तो एक फ्लैट लेके उसे बेच दो, बट मैं मुझे पता बेचोगी लेते ही नहीं यार। और क्या, तुम हर चीज तो एक बात बताओ, मैंने बेचा अपना कैमरा, इतने दिन हो गए। समय मैं एक बात बताऊं हाँ। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, मुझे ये बताओ, ये मैंने बेचा आज? अच्छा, मैं जो चीजें लेता हूं मैं कभी बेचता नहीं हूं। दिखाना जरा, ला देख लो यार, कैमरा तो ठीक लगता है, इससे मेरी फोटो भी बहुत अच्छी आती है, बट मैं सोच रही हूँ उसको बेच देती हूँ, उससे ही पैसे आ जाएंगे कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएंगे। बेच देती हूँ मैं, लेता नहीं, कर सकते हो क्या रखा है वीडियो शीडियो में? खाते पीते एंजॉय करते हैं यार हाँ। अपना तो बेच दिया, ये भी बेच हाँ, दे, कैमरा छोड़ दे। बेचूंगी मैं इसको, मैंने डिसाइड किया है। चार्जर हाँ, मेरा क्यों बेचना है? पैसे और आएंगे ना, दिखाओ अपना, बेचो ना। नहीं मैं यही बेचूंगी, अपना तो बेच दिया ना, मेरे को नहीं देना, मेरे को बेचना है कैमरा, रख दे मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बता, सुमे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, लो पकड़ अपना कैमरा। कास्ट मैंने आज तक तुम्हें सच नहीं बताया, जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना तो वहाँ पर मेरे एक सर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे एक फ्लैट दिया था, वो फ्लैट गवर्नमेंट के नाम चला गया, मेरी लॉटरी खुली थी इस फ्लैट को। तुमने फ्लैट लिया ही नहीं? फ्लैट लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था, नॉलेज ही नहीं थी इतनी, वो मेरे नाम पे लॉटरी डाली थी उन्होंने, वो लॉटरी मेरे नाम पे खुल गई। तो तुम गोबर खाते हो? गोबर मतलब? गोबर खाती हो? तुम खाते होंगे? जब बेचने के नाम पर तुमने 37,000 कैमरा बेच दिया हाँ। 1 करोड़ का तुम्हें फ्लैट मिल रहा था, कितने का था वो? कम से कम 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट जो है तुमने गवर्नमेंट के नाम कर दिया। गवर्नमेंट का नाम नहीं किया है एक्चुअली, उस पर वो गवर्नमेंट उसको एक साल ही देता है, मतलब अगर वो लेना है तो, फिर वो जैसे कोई इस पर नहीं आता तो वो गवर्नमेंट को वापस रिटर्न चला जाता है।
वो दूसरा जब नया लॉटरी खुले इतनी खुंदक आती तुमसे यार, इतनी मूर्ख लड़की घर में मुझे बहुत डांट पड़ी थी। ऐसा कोई बात थी तो मुझे हमें बताना था ना ये वो, और मेरे सर को तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर तुमने सर से पूछा नहीं? नहीं, वो गवर्नमेंट में चला गया ना, एक साल हो गया उस बात को, अब पता चल रहा मुझे। मैंने जब बात करी उस बारे में तो उन्होंने कब से तुमने पूछा ही नहीं था सर से कहां गया हूं? नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देती ना चीज़ों पे। तो तुम जॉब छोड़े तो डेढ़ साल हुआ है ना? डेढ़ साल, हाँ डेढ़ साल, दो साल होने वाले। हाँ तो दो साल हो गए ना? नहीं डेढ़ साल हुआ है ना, मैं जॉब करती थी तभी तो आती थी तुम्हारे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। डेढ़ साल ही तो हुआ, मैं आधा टाइम तो मैंने जॉब किया ही है। तो तुमने डेढ़ साल में जो है, चलो यहाँ तो कुछ किया ही नहीं घूमने खाने पीने के अलावा, ठीक है, 1 करोड़ का फ्लैट भी गवा दिया। अफसोस हो रहा, इसलिए मैंने कैमरा भेज दिया। तो अब 37,000 में 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लोगी? नहीं यार, ये नहीं कह रही हूँ, मैं सोच रही कुछ पैसे होने चाहिए खाने पीने के लिए यार, बर्गर पिज्जा ये सब तो तुम तो खिलाते नहीं हो, तुम लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हो। मम्मी कसम ऐसी बात थी। हाँ मम्मी कसम ऐसी बात थी। क्या फ्लैट वाली कसम खा गई है? तुम मुझे किसी की भी कसम खिला लो, वो फ्लैट मेरे नाम पे था, बट मुझसे ये एक मिस्टेक हो गई। मुझे लगा कि ठीक है बाद में ले लूँगी उनसे, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, तो फिर और वो चला गया फ्लैट, बस ये हो गया मेरे साथ। बहुत सुंदर फ्लैट था, आज मेरे पास 3 BHK का फ्लैट होता द्वारका में, पता है। हालांकि देखने भी गई थी यार, सुमित क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मूर्खों के साथ नहीं रहना। मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। तुम चाहती तो वो फ्लैट तुम्हारा होता, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दे दो। ये तो है यार, यही तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई यार, आज मुझे बहुत अफसोस होता है, अपनी कसम खाई कह रही हूँ। और इस चीज़ का भी अफसोस होता है कि मैं काश मतलब तुम्हारे ऊपर प्रैंक भी करती हूँ और साथ साथ जॉब भी नहीं छोड़ती, इस चीज़ का भी अफसोस है मुझे पता है। लेकिन तुम एक और बात बताना चाहती हूँ, बताऊँ? ठीक है कि हालांकि ये मैंने कैमरा लगा रखा है, मैं कोई प्रैंक तो नहीं कर रही थी, ठीक सच बता रही हूँ, क्योंकि ये कैमरा फैजान का है, तुम देख सकते हो सामने है। तो एक्चुअली क्या है, मैंने ये कैमरा से लगवाया था कि मैं बता दूँ, ठीक है, और इसलिए नहीं कि मतलब मुझे शूट नहीं करना या फिर कुछ नहीं करना, करना है, लेकिन वो मैं जस्ट मुझे न्यू कैमरा लेना है, सिर्फ इसलिए मैंने वो कैमरा बेचा है, ठीक है। और बात रही दूसरी, एक और चीज़ मैं तुम्हें एक और बताना चाहती हूँ। कितनी बातें बताओगी, बताओ ना। बता रही हूँ ना कि कुछ टाइम के बाद मैं फिर से जॉब पर लग जाऊँगी। तो अब तुम्हें जॉब ज्वाइन करनी क्या बोलते हो? जॉब ज्वाइन करना नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही जॉब कर लेती हूँ, क्योंकि तो क्या हो गया, लोग जॉब करके आते नहीं है सूट प्रैंक करने के लिए। हाँ बताओ ना। ठीक है देख लो। बहुत टाइम से मतलब मुझे मतलब कॉल आ रहे थे कि ठीक है आप ज्वाइन करो, तो मैं ज्वाइन कर लेती, बताओ। कर लो भैया जो तुम्हें करना। हाँ? है मुझे कुछ नहीं कहना है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं कब बोल रहा, मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ भी रहूँगी और अच्छे से। वहाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। क्यों उधर बैठ जाओ? उधर बहुत दिमाग तू खराब है। जान है अरमान है मेरे प्यारे, तू जान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान पर थोड़ा थोड़ा तू नादान है। चल ठीक है, तुम्हारा देख लिया मैंने। अरे यार क्या हो गया, इतना दिमाग है, कैमरा भेजे इतना तुम इतना दिमाग लगा रहे हो। लो पैसे तुम्हारे में ट्रांसफर कर दे। मुझे नहीं पैसे चाहिए, मैं क्या करूंगा पैसे? तुम रखो ना, सेव करो, मैं तो खा लूंगी। खाओ तुम, चाटो। न्यू कैमरा कैसे आएगा? तुम दिलाओगे? अपने आप ले लेना, तुम दिला देना। ले लो नहीं कैमरा दिलाओगे ना? देखते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था एक्चुअली क्या है ना, आज मैंने अपना कैमरा सेल कर दिया है, मैंने बिना सुमेश के बताए हुए, कि सुमेश कभी भी नहीं चाहता था कि अब मैं अपना कैमरा भेजूँ, बट मेरे को बहुत टाइम से था कि मुझे बेचना है, मैं सुमेश के पीछे पड़ी रहती थी, और आज मैंने फाइनली अपना कैमरा बेच दिया है। और वो यही है कि बस थोड़ा सस्ता में बेचा मैंने, क्यों मैंने काफ़ी महंगा कैमरा लिया था, आई थिंक मैंने कितने मिला, 68 का आ रहा कैमरा, 65 वाली वो डबल लेंस के। अरे मैंने जब लिया था 65 ही का तो लिया था उस टाइम पे, मैंने 65 का लिया था, बट मैंने भेजा 37,000 में, बट कोई बात नहीं है ना, मैं न्यू कैमरा लूँगी। और मैं जो कैमरा लेने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा लेने वाली हूँ। बाकी आप मेरी वीडियो को लव सपोर्ट प्यार करो, बस ना कहना चाहती हूँ गाइज़,
लव यू लव यू।